नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे बेहद खास कार्यक्रम भविष्य गंगा ज्योतिष में, और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, कहा जाता है सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि जीवन में कुछ समय दुखों की घड़ियां आई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दुख सदैव के लिए आपके साथ रहेंगे। सुखों की घड़ियां अवश्य ही आपके जीवन में आएगी, पर उसके लिए आपको प्रयास करने की आवश्यकता है। और यदि आप परेशान हैं कि किस प्रकार से आप अपने जीवन में सुखों को वापस लेकर आए, किस प्रकार से दुखों को अपने जीवन से दूर करें, तो ऐसे में आप अपने जीवन में एक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करें, जो आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने जीवन में खुशियों की प्राप्ति कर सकते हैं। और ऐसे ही एक गुरु का मार्गदर्शन आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त होता है। और आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको एक ऐसी ही विषय पर जानकारी प्रदान की जाएगी, जिसे जानकर आप अपने जीवन के एक बेहतरीन बदलाव लेकर आ पाएंगे। क्या होगा विषय, जरूर आपको बताएंगे। पर उससे पहले मिलकर स्वागत करते हमारे बेहद खास मेहमान का, जो कि हर बार की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्वविख्यात ज्योतिर्विद पंडित प्रमोद तिवारी जी। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जय सियाराम। पंडित जी, आज आपसे जानना चाहेंगे शादी ब्याह को लेकर। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई जातकों का जो विवाह होता है उसमें बहुत देरी हो जाती है, रिश्ते होते तो है परंतु टूट जाते हैं, आखिर ऐसा क्यों? जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया मित्रों। जय सियाराम, आपका बहुत स्वागत करते हैं। देखिए, जीवन है तो संघर्ष है, और जहाँ तक आज हम चर्चा करना चाहते हैं शादी को लेकर के, कि शादी में विलम्ब क्यों होता है और शादी बाप बन करके टूट क्यों जाती है, या शादी होने के बाद रिश्ते अच्छे क्यों नहीं होते हैं, इन चीज़ों को लेकर के हम आज चर्चा करना चाहते हैं। देखिए, यदि जीवन में मांगलिक दोष का प्रभाव हमारे जीवन में होता है तो शादी विलंब से होती है। और बहुत लोगों को हमने ऐसा भी देखा है कि शादी कर लेते हैं लेकिन मांगलिक दोष का जो है विचार नहीं करवाते हैं, कुंडली मिलवान नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल देखा गया है कि लोग माता पिता का कहना नहीं मानते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। तो आप कॉल करिए और ये देखिए कि आपके जीवन में यदि समस्याएं चल रही हैं इस विषय को लेकर के, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। तो बिल्कुल, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही है तो ऐसे में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी सभी समस्याओं का आपको समाधान दिया जाएगा। यदि आपकी शादी ब्याह नहीं हो पा रहा है, या फिर संतान सुख की आपको प्राप्ति नहीं हो पा रही, या फिर आपका व्यापार नहीं चल पा रहा, या फिर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही, या फिर निरंतर घर में ग्रह कलेश रहता है, कोई भी समस्या क्यों ना हो, हर समस्या का समाधान आपको हमारे कार्यक्रम से प्राप्त होगा। बस आवश्यकता है आपको एक छोटा सा प्रयास करने की, क्या होगा इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना। तो आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी, यहाँ पर अब आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आपने जिक्र किया मांगलिक दोष के बारे में, कि शादी ब्याह में कई बारी देरी इसलिए भी देखी जाती है कि मांगलिक दोष होता है, तो मांगलिक दोष के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा करना चाहेंगे कि मांगलिक दोष जो है वो किस प्रकार का दोष है, और क्या सिर्फ इससे शादी ब्याह में अड़चने आती है या फिर अन्य समस्याएं भी हमें अपने जीवन में देखने को मिलती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए मित्रों, यदि जीवन में मांगलिक दोष आ जाता है, ये कुंडली में मांगलिक दोष है, तो जाहिर सी बात है कि शादी होने में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि कहते हैं, और बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये आंशिक मांगलिक है या कम मांगलिक है या मंगल दोष छीण हो रहा है, कभी कभी होता है। लेकिन कहते हैं कि चोरी चाहे एक रुपये की करो, चाहे एक लाख की, चोरी चोरी होती है। तो ऐसे ही मंगल दोष भी होता है, चाहे थोड़ा है चाहे बहुत है, दोष तो दोष हो गया, वो आपके जीवन में प्रॉब्लम डालेगा ही डालेगा। यदि मंगल दोष का सही तरीके से उपाय करके नहीं चलते हैं और रिश्ता आप पक्का कर लेते हैं, उसको अनदेखा आप कर देते हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए कि शादी के बाद में प्रॉब्लम होना निश्चित ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और यदि घर में आपके लड़ाई झगड़ा होना प्रारंभ हो जाता है तो घर में लक्ष्मी का वास भी नहीं होता है, और लड़ाई झगड़े होने से बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो बच्चे भी हमारे बिगड़ सकते हैं। जिस चीज़ को लेकर के आपकी मनोकामना होती है कि हम अपना जीवन अच्छा यापन करें, अच्छी तरीके से जीवन को आगे ले जाएं, उसमें रुकावट आनी प्रारंभ हो जाती है, अच्छी तरीके से जीवन चल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, बिल्कुल संकोच ना लीजिए। यदि आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो एक बार आप सेवा का अवसर अवश्य दीजिए, फोन उठाइए या आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अच्छे से बात करिए हमसे या हमारे संस्था में और भी पंडित आचार्यगण हैं, उनसे भी आप चर्चा
कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए दर्शकों, यहाँ पर हम अकेले नहीं हैं, बल्कि विद्वान ज्योतिषों की पूरी टीम हमारे साथ है, जो आपके लिए सदैव तत्पर रहती है ताकि आपके जीवन की समस्याएं दूर हो सके। यदि आपका लाइव कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाता किसी कारणवश, तो ऐसे में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम के बाद आप हमारे संस्थान में भी संपर्क साध सकते हैं। और कई बातें ऐसी होती है जो आप लाइव कार्यक्रम के माध्यम से हमसे नहीं कर पाते, तो ऐसे में भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे में पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पर्सनल अपॉइंटमेंट जब आप लेंगे तो आप अपनी जो समस्याओं का जिक्र है वो विस्तार पूर्वक कर पाएंगे। तो यदि आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ऐसे में नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कार्यक्रम में और भी विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी, पर उससे पहले कुछ कॉलर्स हमारे साथ हैं जो जुड़ गया, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ अरुणेश जी जुड़े हैं यमुनानगर से। नमस्कार अरुणेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहें, भगवान आपकी रक्षा करें, शीघ्र मनोकामना पूर्ण हो। शुभ नाम बताएं। मेरा नाम अरुणेश मिश्रा है पंडित जी। जी 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 बताएं, जन्म तिथि। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1/12/1988। 1 दिसंबर 1988। जन्म का शुभ समय बताएं। जी सुबह के 7:05। जन्म का स्थान, बर्थ प्लेस। जी यमुनानगर ही है। यमुनानगर हरियाणा। जी 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 जी। बृहस्पतिवार के दिन आपका अरुणेश जी जन्म हुआ है। नाम से आपकी मेष राशि होती है और पत्रिका से आपकी सिंह राशि होती है। शेर के समान जीने वाले इंसान हैं। 31 साल की उम्र आपकी हो चुकी है, लेकिन कुछ अपने जीवन में ऐसा नहीं कर पाए हैं जिस चीज की आपकी मनोकामना हो रही है। सूर्य और बुध आपके लग्न स्थान पर, बुध का आदित्य योग बना हुआ है। बुध आदित्य योग बहुत अच्छा माना जाता है कि जीवन में तमाम प्रकार की ऊंचाइयां आपको उपलब्ध हों। क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी? मेरी पहला प्रश्न ये है कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है, और दूसरा प्रश्न ये है कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है, रुकावटें हो रही हैं शादी में। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और जैसा कि आपकी कुंडली दर्शा भी रही है, देखिए जीवन में आप करियर में बहुत अच्छी तरीके से उन्नति करेंगे, लेकिन शादी को लेकर के बहुत विलम्ब हो गया। शादी होने का चांस बीच में आया, लेकिन शादी ना होने का कारण केवल और केवल राहु आपकी पत्रिका के अंदर दिक्कत दे रहे हैं। राहु का यदि आप समाधान कर लेते हैं तो आपके जीवन में दिक्कत दूर हो जाएगी। यदि आप घर पर उपाय करने में असमर्थ हो रहे हैं तो संस्था से एक सिद्धमणि कवच मंगवा करके अपनी पूजा स्थान पर आप रखिए, या आप अपने गले में डाल सकते हैं। इस चीज़ को करने के बाद आपको जरूर सफलता मिलेगी और आप दिन ब दिन आगे ही बढ़ते जाएंगे। जय सिया राम। तो रमेश जी, अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपने विस्तार पूर्वक चर्चा की है, परंतु फिर भी यदि मन में कोई प्रश्न है तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से दर्शकों, यदि आपके मन में भी है कोई प्रश्न या जीवन में है कोई भी समस्या, तो ऐसे में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा प्रयास आपके जीवन को अवश्य ही बदल सकता है, परंतु वो प्रयास आपको ही करना होगा। जब आप अपना एक हाथ हमारी ओर बढ़ाएंगे तभी हम आपकी मदद कर पाएंगे। तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, देरी किस बात की, फोन उठाइए और तुरंत इन नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए। तो आइए अब अगले दर्शक से बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनीता जी, जी आवाज मिल पा रही है आपको? जी नमस्कार, जय सिया राम। जय सिया राम जी, हम स्मिता मिश्रा बोल रहे हैं। जी जी, डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। जी जी जी, स्मिता जी जन्म तिथि बताएं। जी 10/10/1993। जन्म का शुभ समय? 10:10 AM। ओके। जन्म का स्थान, बर्थ प्लेस? जी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। बृहस्पतिवार के दिन आपका जन्म हुआ है? नहीं जी, मंगलवार को। जी जी, जैसा कि आपने बताया 10 जून 1993। हाँ जी जी, नहीं 8 जून 1993। जी जी बिल्कुल, जो है जन्म तिथि क्लियर कर लिया करें। हाँ। क्योंकि इसमें दिक्कत होती है। 8 जून 1993। हाँ जी जी, 27 साल की उम्र आपकी स्मिता जी हो चुकी है। क्या जानना चाहती है? मकर आपकी जन्म राशि होती है। प्रश्न कीजिए अपना। लगता है हमारा संपर्क इनसे किसी कारणवश टूट गया है। जी जी जी, जी कोई नहीं, समृता जी एक बार फिर से आप संपर्क साधने का प्रयास कीजिएगा, और यदि आपकी कॉल अभी कनेक्ट नहीं हो पाती तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप कार्यक्रम के बाद संस्थान में संपर्क साध सकते हैं। तो आइए अब अगले दर्शक से बात कर लेते हैं। हमारे साथ अभिनय जी जुड़े हैं वाराणसी से। नमस्कार अभिनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी पंडित जी नमस्ते। सदा सुखी रहें, भगवान आपकी रक्षा करें, शीघ्र मनोकामना पूर्ण हो। जी बताएं। जी पंडित जी, घर में किसी न किसी को शारीरिक समस्याएं बनी रहती हैं, कोई न कोई बीमार ही रहता है। जी जी बिल्कुल, आप परेशान ना हो। रुके हुए कार्य जो है
बनते नहीं है जो। जी जी बिल्कुल जी। आप घबराएं नहीं, आप अपना जन्म तिथि बताएं। जी 10 तारीख 12वां महीना जी 1985 जी। शुभ समय आठ बज के जी 8:10 पर। ओके। जन्म का स्थान? वाराणसी, बनारस, उत्तर प्रदेश। जी ये किसकी पत्रिका है जिसकी हेल्थ में प्रॉब्लम रह रही है, या आपकी पत्रिका? आपकी पत्रिका? हमारी पत्रिका, हमारी पत्रिका है। देखिए 34 साल की उम्र हो चुकी है, लेकिन आपके जीवन में जो अपने परिवार को लेकर के एक मनोकामना हो रही है कि हमारा घर परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, घर में लक्ष्मी का वास हो, उस चीज़ से आप वंचित हो रहे हैं। तुला आपकी जन्मराशि स्वामी शुक्र होते हैं, और शुक्र जैसा कि हम बताना चाहेंगे दर्शकों कि शुक्र जो होता है मन की कामना का कारक ग्रह होता है, लेकिन जो आपकी मनोकामना नहीं पूरी हो पा रही, इसका कारण है कि आपके ऊपर कालसर्प दोष लगा हुआ था, लेकिन कालसर्प दोष हट गया है, लेकिन फिर भी आप इसका जो है अच्छी तरीके से समाधान करवा लीजिए। घर में आपकी खुशियों का जो है माहौल उत्पन्न होना चालू हो जाएगा, घर में आपके जो है खुशी का माहौल बना ही रहेगा। और एक काम करिए, संस्था से एक सिद्धमणि कवच मंगवा करके अपने आप पूजा स्थान पर उसको रखवाइए, सुबह शाम धूप बत्ती अगरबत्ती करवा करके उसको जो है पूजा पाठ करेंगे विधो, तो आपको जरूर जो है इसमें रिलीफ प्राप्त होगा। तो बिल्कुल अभिनय जी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, उपायों के साथ साथ यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको सिद्धमणि कवच मंगवाने की आवश्यकता है, तो देरी किस बात की, आप संस्थान में अभी कॉन्टैक्ट कर सिद्धमणि कवच अपने लिए मंगवा सकते हैं, और किस प्रकार से आपको उसे धारण करना है या फिर घर में स्थापित करना है ये जानकारी आप संस्थान द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संस्थान के नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इसी प्रकार से दर्शकों, यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है तो ऐसे में देरी किस बात की, आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमारे पास अपनी डिटेल्स कंप्लीट नहीं होती, तो हम ऐसे सोच में पड़ जाते हैं कि अरे अब हम अपने जीवन के बारे में कैसे जाने, तो ऐसे में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संस्थान द्वारा आपके लिए अन्य विकल्प भी मौजूद है। बस आवश्यकता है छोटा सा प्रयास करने की और हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने की। तो आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी, यहाँ पर ज्यादातर जो हमारे साथ दर्शक जुड़े उनका प्रश्न ये था कि आर्थिक उनकी स्थिति जो है वो सही नहीं चल रही, डामाडोल चल रही है। ज्यादातर लोगों के साथ अक्सर यही प्रॉब्लम देखी जाती है, समस्या यही देखी जाती है कि आर्थिक स्थिति जो है उनकी डामाडोल रहती है। पहले सब कुछ स्थितियां ठीक होती है, पर तुरंत एकदम से ऐसी कुछ स्थितियां उत्पन्न होती है कि सब कुछ गड़बड़ा जाता है, तो आखिर ऐसा क्यों? जी जी बहुत अच्छा समझ गया। देखिए मित्रों, यदि जीवन में आर्थिक व्यवस्था को लेकर के आपको प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत का सामना कर रहे हैं, घर में लक्ष्मी का वास नहीं हो पा रहा है, तो समझो कि आपकी हर तरफ से समस्याएं आनी प्रारंभ हो जाएंगी। हेल्थ में आपको प्रॉब्लम होगी, घर में आपके लड़ाई झगड़े होंगे, गृह में जो है घर में कलेश होगा, मतभेद होगा, बच्चों से जो है अच्छे संस्कार आप नहीं दे पाएंगे। इसका मुख्य कारण होता है कुंडली में यदि शनि आपके भाग्य स्थान पर या करियर स्थान पर दृष्टि डाल देते हैं, तो ऐसी जो है बाधाएं उत्पन्न होनी प्रारंभ हो जाती है। जैसा कि मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं तो आप गलत कर रहे हैं। हो सकता है भाग्य आपके भरोसे बैठे हो, तो आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो एक बार आप सेवा का अवसर अवश्य दीजिए, कॉल कीजिए, फोन उठाइए, और आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार आप, जब तक आप सर्टिफाइड ना हो जाए तब तक आप बात करिए, और एक बार आप सेवा का अवसर यदि आपने दे दिया तो जाहिर सी बात है कि आपकी समस्या बिल्कुल हम दूर करना चाहेंगे। आज हम चर्चा कर रहे थे कि मंगल दोष यदि होता है हमारी कुंडली में तो बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे जीवन में हो जाती है। लोग कुंडली दिखवाते नहीं, शादी हो जाती है, शादी के बाद में उनका जो है आर्थिक व्यवस्था जो है वो डैमेज होना चालू हो जाता है, संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती है, या संतान उत्पन्न होता है तो जल्द से उम्र से पहले ही आंखों में चश्मे लग जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, यानी एक गलती से तमाम प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आनी प्रारंभ हो जाती है। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, बिल्कुल संकोच मत करिए, निसंकोच होकर के एक बार आप जो है अवश्य बात करिए। तो यानी कि आचार्य जी, हम यूं कह सकते हैं कि यदि हम समय रहते अपनी जन्म पत्रिका का आंकलन करवा ले तो जीवन की समस्याएं अवश्य ही दूर हो सकती है। जी आचार्य जी, और विस्तार पूर्वक चर्चा करना चाहेंगे, पर उससे पहले कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ सुधीर जी जुड़े हैं वाराणसी से। नमस्कार सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। जी प्रणाम पंडित जी, सदा सुखी रहें, भगवान रक्षा करें। जी सुधीर जी बताएं। पंडित जी, मैं अच्छी कंपनी में जॉब करता था। जी जी। और वहाँ एक लड़की से प्रेम हो गया, प्रेम के बाद शादी भी मैंने कर लिया। जी जी। लेकिन शादी के बाद मेरा जॉब भी चले गए पंडित जी, और उसके बाद अधिक कर्ज में डूबता चला जा रहा हूँ। बिल्कुल घबराएं नहीं, अपना जन्म तिथि बताएं। 25
5/1995। जन्म का शुभ समय? सुबह 10:40। जन्म स्थान? वाराणसी। बृहस्पतिवार के दिन आपका जन्म, 25 साल की उम्र हो चुकी है। मीन आपकी जन्म राशि होती है। शुक्र की महादशा में गुरु की अंतर व गुरु की आपके ऊपर प्रत्यंतर दशा चल रही है। कुंडली में सूर्य और बुध आपके लाभ स्थान पर बैठे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा योग होता है कि एक राजाओं जैसा सुख सम्मान प्रतिष्ठा अच्छी उन्नति तरक्की काफ़ी अच्छा ग्रोथ करने वाले इंसान हैं। खानदान का आप नाम रोशन करने वाले हैं। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक लड़की के जो है अफेयर्स हो गए या कॉन्टेक्ट हो गया, तो उसकी भी आप कुंडली दिखवाइए, क्योंकि जीवन साथी जो होता है या अर्धांगिनी होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ में। और दूसरी बात, अपने माता पिता से आप हमारी बात करवाइएगा या आप खुद अपने माता पिता से बात करिए, क्योंकि आपका जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ है। इसका समाधान करवाया गया था या नहीं करवाया गया था, प्रोग्राम के बाद आप कॉल करिए, विस्तारपूर्वक आपसे चर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आप प्रोग्राम के बाद कॉल करिए, आपकी समस्या जरूर दूर की जाएगी। जय श्री राम। तो बिल्कुल सुधीर जी, देखिए प्रोग्राम में हमारे समय का अभाव होता है, जिसके कारण से यहाँ पर विस्तारपूर्वक चर्चा करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में बेहतर यही होगा कि आप कार्यक्रम के बाद संस्थान में संपर्क साधे या फिर आप पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपके टी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आइए अब अगले दर्शक से बात कर लेते हैं। हमारे साथ रेणु जी जुड़ी हैं चंडीगढ़ से। नमस्कार रेणु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी मैं रेणु शर्मा बोल रही हूँ चंडीगढ़ से। जी रेणु शर्मा जी, जन्म तिथि बताएं। जी जन्म तिथि 8 जून 1993। 8 जून 93। जन्म का शुभ समय? जी 10:22, सुबह 10:22। जन्म स्थान? जी चंडीगढ़। चंडीगढ़ जी। जी क्या जानना चाहती हैं, प्रश्न करिए। जी पंडित जी, हम जानना चाहते हैं, हम अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। जी जी, हम जैसे कि बार बार मुझे नौकरी के लिए मतलब असफलताएं मिल रही हैं। जी जी, तो जी इसके बारे में हम जानकारी चाहते हैं आपसे। कितने दिन से प्रयास कर रही हैं जॉब के लिए? जी यही कोई 3 साल से लग। नहीं नहीं, जॉब आपकी बिल्कुल लगेगी, लेकिन जॉब में आपको विलम्ब होगा, क्योंकि बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति इंसान को पीछे करता है, कहते हैं स्थान हानि करें गुरु, स्थान वृद्ध करें शनि। तो बृहस्पति आपके धन स्थान पर बैठे हैं। बृहस्पति का समाधान यदि हो जाता है अच्छी तरीके से, उस चीज़ को करवा देती हैं अच्छी तरीके से, घर में पूजा पाठ या हमारे संस्था के माध्यम से करवा देती हैं, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आपने करवा लिया, बहुत लोग होते हैं कि हाँ हम करवा लिए, बहुत कुछ करवा लिए लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप संस्था से एक सिद्धिमणि मंगवा करके अपने पूजा स्थान पर स्थापित करिए, आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। जय श्री राम। देखिए मित्रों, कहते हैं कि जीवन है तो संघर्ष है, और संघर्ष है तो समाधान भी है, और समाधान है तो उसका अच्छी तरीके से समाधान भी करवाना जरूरी होता है समय और मुहूर्त पर। बहुत कॉल्स हमारे पास आते हैं, कभी कभी शिकायत भी आती है, या लोग और जगह से कॉन्टेक्ट करके हमारे पास आते हैं और बोलते हैं पंडित जी हमने तो बहुत कुछ करवा लिया लेकिन हमको फ़ायदा नहीं हो रहा है। देखिए फ़ायदा ज़रूर होगा, यदि आप समय और मुहूर्त पर कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आप देखिए परीक्षा में आपको बैठना है और 5 मिनट आप लेट हो जाएं, जो कि साल भर से आपने तैयारी कर रखी हुई है, तो आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो समय से और मुहूर्त से कोई भी कार्य करेंगे, चाहे पूजा पाठ हो गया या आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के हो गया या बिजनेस को लेकर के हो गया, भाई अगर आप बिजनेस पर टाइम से नहीं पहुँच रहे हैं तो ग्राहक जाहिर सी बात है टूट जाएंगे। तो समय से हर चीज़ करने पर ही लाभ होता है, और संस्था से बताया जाए जिस तरीके से, उस तरीके से आप यदि कदम बढ़ाते हैं तो आपको अवश्य सफलता प्राप्त होती है। तो बिल्कुल समय रहते आप अपने जीवन के प्रति थोड़ा सा सचेत हो जाइए, क्योंकि जब आप अपने जीवन के प्रति थोड़ा सा सचेत होंगे तभी आप अपने जीवन की समस्या को समय रहते दूर कर पाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, एक बार समय हाथ से निकल गया तो हाथ में कुछ भी नहीं बचता। तो समय रहते अपने जीवन के प्रति सचेत होइए और अपने जीवन में आसानी से खुशियों की प्राप्ति करिए। तो आइए अब अगले दर्शक से बात कर लेते हैं। हमारे साथ आलोक जी जुड़े हैं रायबरेली से। नमस्कार आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी सादर चरण स्पर्श पंडित जी, सदा सुखी रहें, भगवान आपकी रक्षा करें। जी बताएं जन्म तिथि। मैं जी 23/10/1974 23 अक्टूबर 1974
जी, जन्म का समय? जी, जन्म का समय बताएं। 6:50 सुबह। जन्म का स्थान, बर्थ प्लेस? रायबरेली। जी, 45 साल की उम्र हो चुकी है। मकर आपकी राशि होती है, स्वामी आपके शनि होते हैं जो भाग्य स्थान पर बैठे हैं। शनि आपकी राशि स्वामी और भाग्य स्थान पर बैठे हैं। भाग्य आपका जरूर साथ देता होगा, लेकिन रुकावट भी आती होगी। फिलहाल अपना प्रश्न कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। गुरुजी, आपके आशीर्वाद से ट्रैक्टर एजेंसी भी है अपने पास, कॉलेज भी है, लेकिन आज लगभग 4 वर्षों से दिन प्रतिदिन कर्ज में डूबता चला जा रहा हूं, और जहां भी पैसा मैं लगाता हूं वहां पर पैसा फंस जा रहा है मेरा। बिजनेस आप अकेले कर रहे हैं या पार्टनरशिप में चल रहा है? नहीं, अकेले ही है पंडित जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक कहावत कही गई है, जो अकेला चलता है वही तेज चलता है। और आपकी कुंडली के अंदर बुध आदित्य योग लगा हुआ है, जरूर आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा शनि का आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, समाधान करने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि की सीधा दृष्टि लाभ स्थान पर जा रही है और वर्ष फल में भी ऐसी ही सिचुएशन आ चुकी है, इसलिए आपको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप एक काम करिए कि 3 शनिवार के दिन शनि मंदिर पर जाएं और वहां पर दीपक जलाएं, पूजा पाठ करें, अपनी मनोकामना लें, इससे आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। और साथ साथ में इसका एक विधिवत पूजा भी आप करवाइए शनि का, इसका जो है मंत्र उच्चारण करवाइए 1.25 लाख का, फिर आपके जीवन में कभी भी आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यही उम्र है आपको अच्छी तरीके से बना लेना, अपने ऊंचाइयों को हासिल कर लेना, उसके बाद तो उम्र ढलती जाती है और चीज़ों की तरफ जीवन बढ़ता जाता है। तो आप घबराएं बिल्कुल नहीं, आपका जो है दिक्कत जो है वो बिल्कुल दूर होगी। जय सिया राम। तो बिल्कुल आलोक जी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, जीवन की जितनी भी समस्याएं वो आपके जीवन से अवश्य ही दूर होंगी, परंतु इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य ही लागू कीजिएगा, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। देखिए, हम आपको संस्थान से जुड़ने के लिए इसलिए कहते हैं कि जब आप संस्थान से जुड़कर किसी भी प्रकार के पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ इत्यादि संपन्न कराते हैं, तो ऐसे में वैदिक ब्राह्मणों द्वारा विधि विधान से वो जो अनुष्ठान होते हैं या फिर यज्ञ होते हैं आपके लिए संपन्न किए जाते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य का विधि विधान से होना बहुत ही आवश्यक बात होती है। तो विधि विधान से यदि आप अपने लिए पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ इत्यादि करवाना चाहते हैं, तो एक बार इस संस्थान से जुड़कर देखिए, आपको बेहद लाभ की प्राप्ति होगी। तो आइए इसी के साथ अगले दर्शक से बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर्वेश जी। जी नमस्कार। जी बताए सर्वेश जी, किन के बारे में जानना चाहते हैं? जी मैडम, मेरा जन्म 23 अगस्त 1985 को हुआ है। जी, जन्म का समय? जी, 5:40 पर अहमदाबाद में। जी, क्या प्रश्न है आपका? जी मैडम, मुझे पिछले 3 सालों से मैं स्वास्थ्य की समस्या से बहुत जूझ रहा हूँ। मुझे निराशा बहुत हो रही है और मेरा स्वास्थ्य भी दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है। जी जी, जी बिल्कुल, आप घबराएं नहीं। देखिए, 35 साल की उम्र हो चुकी है, ये उम्र एक मायने रखती है लाइफ के लिए, क्योंकि यहीं से जीवन स्टार्ट होता है, क्योंकि 30 साल से ही इंसान अपने जीवन को अच्छी तरीके से समझता है, उसके पहले तो लड़कपन होता है लाइफ में, तमाम चीज़ें होती हैं। चलिए खैर छोड़िए, स्वास्थ्य को लेकर के जो आपको प्रॉब्लम हो रही है उसका मेन कारण है बृहस्पति लग्न स्थान पर बैठना। चेहरे से आपकी मुस्कान गायब हो गई, और जो आपके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रही है, साथ साथ में चिड़चिड़ापन भी आपको आना प्रारंभ हो गया है। तो आप एक काम करिए कि बृहस्पति का आप समाधान करवाइए, बृहस्पतिवार के दिन खट्टी चीज़ों का सेवन आप बिल्कुल ना करें, इससे आपको इम्प्रूवमेंट आना प्रारंभ हो जाएगा। और साथ साथ में संस्था से एक सिद्धमणि कवच मंगवाइए और अपने गले में उसको अवश्य पहनिए। बिल्कुल आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही मत करिए, क्योंकि आगे आपकी दशा थोड़ी और चेंज होकर के थोड़ी और गड़बड़ाने वाली है, तो आप पहले से ही सजग हो जाएं। जय सिया राम। देखिए मित्रों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, मैं भगवान नहीं हूँ, एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, ये भी मैं आपको बात क्लियर कर दूँ। देखिए, जो कुंडली में है या जो भाग्य में है वो होना कोई रोक नहीं सकता। जैसे बारिश होना है तो मैं बारिश बिल्कुल नहीं रोक सकता, लेकिन बारिश से बचने के लिए मैं आपको छाता का जरूर, जैसे प्रयोग होता है वो मैं छाता जरूर आपको पकड़ा सकता हूँ कि बारिश आने से पूर्व आप उस चीज़ से बच सकते हैं। समस्याएं जो आनी है वो आनी ही निश्चित है, लेकिन वो कम हो जाएंगी पूजा पाठ से, ये मायने रखता है लाइफ में।
जी बिल्कुल, देखिए समस्याएं जीवन में जो होनी है वो आएंगी, परंतु उनके प्रकोप से आप खुद को कैसे बचा सकते हैं वो हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं। तो प्रयास आप अवश्य ही कीजिए। लाइव कार्यक्रम में यदि कॉल नहीं लग पाती तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप कार्यक्रम के बाद हमारे संस्थान में संपर्क साध सकते हैं। तो आइए अब अगले दर्शक से बात कर लेते हैं, हमारे साथ आशीष जी जुड़े हैं। नमस्कार आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी मेरा नाम आशीष शुक्ला है। जी जी और मेरा प्रश्न ये है मैडम कि जी? हमारी जो जॉब करता हूँ गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, लेकिन वहाँ से क्या है कि हमारी जो दिक्कतें हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ से ट्रांसफर हो जाए। जी 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 जी, जी, जी। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी 15 दिसंबर जी 1971। जन्म का समय 7:25। जन्म स्थान गया बिहार। गया बिहार जी, आपकी कुंडली बन करके हमारे समक्ष में लगी हुई है श्रीमान जी। तुला आपकी राशि स्वामी शुक्र होते हैं, मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी, लेकिन आप पिछले 1-2 सालों से प्रयास जरूर कर रहे होंगे, सफलता आपको नहीं मिल पा रही कि आपका ट्रांसफर हो जाए और आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, क्योंकि केतु की महादशा चल रही है। केतु इंसान को पीछे करता है और वो प्रभाव आपको मिल रहा है। केतु का समाधान करिए और केतु के लिए आप घरेलू उपाय भी साथ साथ में करना बहुत ज़रूरी है। आप भूरे कुत्ते को रोटी अपने हाथों से खिलाइए रविवार के दिन, इससे आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। और संस्था से एक सिद्धिमणि कवच मंगवा करके आप अपने गले में डालिए या आप अपने पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं। आपकी मनोकामना आने वाले कुछ ही दिन के अंदर अंदर बिल्कुल दूर हो जाएगी और खुद आप फोन करके धन्यवाद देंगे कि महाराज जी जो भी हमने सिद्धिमणि कवच धारण किया था उससे हमारी मनोकामना पूरी हो गई। जय सियाराम। बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि सिद्धिमणि कवच के माध्यम से किस प्रकार से आपकी समस्याएं दूर होगी, तो देरी किस बात की, यदि आप सिद्धिमणि कवच अपने लिए मंगवाना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इसी प्रकार से दर्शकों, आपके जीवन की कोई भी समस्या क्यों ना हो, हर समस्या का समाधान आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आवश्यकता है सही मार्गदर्शन की। अपने जीवन में जब तक आप सही मार्गदर्शन नहीं प्राप्त करेंगे तब तक आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं को दूर नहीं कर पाएंगे। तो यदि आप अपने जीवन में सही मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में एक बारी आप हमारे कार्यक्रम से जुड़कर देखिए, क्योंकि इस कार्यक्रम से जब आप जुड़ते हैं तो आपको एक सही और सटीक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है कि किस प्रकार से आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं को दूर कर सकते हैं। समय रहते आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए, क्योंकि जब आप कुंडली का अपने विश्लेषण करवाएंगे वो भी सही से, तो आप ये जान पाएंगे कि जो समस्या आपके जीवन में चल रही है वो किस कारण से चल रही है और किस प्रकार से आप उनसे निजात प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपके पास अपनी डिटेल्स कंप्लीट नहीं है तो ऐसे में घबराने की आवश्यकता नहीं, आपके पास अन्य विकल्प भी मौजूद है। तो यदि आप अन्य विकल्प के माध्यम से भी जानना चाहते हैं तो अवश्य ही आप अपने जीवन का पूर्ण ब्यौरा जान सकते हैं। और कई बातें ऐसी होती है जो आप लाइव कार्यक्रम के माध्यम से नहीं कर पाते, तो ऐसे में बेहतर यही होगा कि एक बारी आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर देखिए, क्योंकि पर्सनल अपॉइंटमेंट जब आप लेते हैं तो आप अपनी जो समस्याओं की चर्चा है वो विस्तार पूर्वक कर पाते हैं। तो पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ऐसे में नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही साथ सिद्धिमणि कवच की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ऐसे में भी आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। अचार्य जी आप जुड़े, कीमती जानकारी दी, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। जय सियाराम।